महाराष्ट्र के पुणे में 3 लोग के पास 130 किलो गांजा बरामद। हरियाणा में गृह एकांतवास में रखे गए कोरोना संक्रमित अब सीधे चंडीगढ़ पंचकुला में बैठे स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की निगरानी में होंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से एक और मौत हुई। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर तहसील क्षेत्र की कोरोना पॉजिटिव 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने टांडा अस्पताल में दम तोड़ दिया। हिमाचल में 21 सितंबर से शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में बुलाए और गाइडलाइंस लेने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आने की मंजूरी देने की अधिसूचना जारी की गई। सीएम योगी का सख्त निर्देश, 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी की जाएगी। दिल्ली में स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार। चीनी महिला देती थी पैसे, आरोप है कि उनके पास कुछ रक्षा संबंधित खुफिया दस्तावेज पाए गए थे। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने कहा, यह पीपली नहीं पंचकुला है, किसान को हाथ ही लगा तो बाजू काट देंगे। सेक्टर 46 में बनाया गया कंटेनमेंट जोन, 9 घरों के 105 लोग को 2 बसों में भरकर सैंपलों की जांच करवाने अस्पताल ले गए पुलिस वाले। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।